गुड इवनिंग गाइस। तो कल हमने पढ़ा था कि स्विच फॉरवर्डिंग कैसे करता है, फाइन, और राउटर पे फॉरवर्डिंग कैसे होती है। तीन तरीके थे राउटर पे फॉरवर्डिंग करने के, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है जी, राउटर पे स्विच पे बताया था फॉरवर्डिंग कैसे होती है, कि कौन सी टेबल की हेल्प से, कैम टेबल कहाँ स्टोर होती है, ASIC जब चिप्स कहाँ पे लगी होती हैं, लाइन गार्ड्स पे। ठीक है भाई, आपने आते एक डाउट पूछा था, सर मैं कंफ्यूज हो गया। इस बंदे ने बोला कि सर आपने बोला कि जब भी कंप्यूटर आर्क जनरेट करेगा डेस्टिनेशन मैक ऑल एफ होगा, और डेस्टिनेशन मैक एक हेडर में क्या होता है, ऑल जीरोस। दोनों की अपनी अलग सिग्निफिकेंस है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये डेस्टिनेशन मैक जो ऑल एफ है ये कौन से हेडर में है, और ये जो ऑल जीरोस है ये कौन से हेडर में है, कौन से हेडर में, और हेडर में। लेयर टू हेडर को रीड कौन करेगा, स्विच, जिसकी वजह से ट्रैफिक क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। ठीक है जी, इसको कौन रीड करेगा, जिसके लिए ये आर्क जनरेट हुई है, जिसके लिए आर्क जनरेट हुई है। ठीक है जी, वो इसको रीड करेगा, उसको पता चलेगा ऑल जीरोस देख के पर्टिकुलर आर्क ट्रैफिक क्या है, आर्क रिक्वेस्ट है, क्या है, आर्क रिक्वेस्ट। इसके अलावा कल मैंने आपको मैक एड्रेस टेबल में एंट्रीज दिखाई थी, अगर आपको याद हो, स्टैटिक मैक एड्रेस टेबल में एंट्री बिल्डअप करना सिखाया था, अगर आपको याद हो, और एक पर्टिकुलर पोर्ट पे एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस को डिनाई कैसे करते हैं सिखाया था यार। दैट वॉज द बेसिक स्टफ। तो जैसे ही आज मैं आया, इन्होंने क्वेश्चन पूछा, पिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, इन्होंने कहा सर पिंग में TTL का क्या सिग्निफिकेंस होता, ये क्वेश्चन था आपका। हाँ भाई, आप पिंग करते हो, जस्ट थिंक लाइक मैंने पिंग मारा अपने NIC कार्ड को अपने कंप्यूटर पे बैठे बैठे मार दिया। आपको पता है मैंने एक्चुअली क्या किया, NIC कार्ड पे बैठे बैठे ही NIC कार्ड को क्या मारा है, पिंग मारा है। इस पिंग में सोर्स क्या था, क्वेश्चन, लेट्स से मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं सोर्स हूं और आप क्या हो, डेस्टिनेशन। मैं कह रहा हूं मैं NIC कार्ड पे बैठा हूं और मैंने खुद को क्या मारा, पिंग। सोर्स क्या है मेरा, जो मेरे NIC कार्ड पे मैंने IP डिफाइन की हुई है, मैंने NIC कार्ड पे कुछ IP डिफाइन की होगी, तो होगी यार, ऐसे नहीं लिखते होंगे तो ऐसे लिखते होंगे यार, इसके बारे में थोड़ा सा कम कम पता है। एक मिनट यार, यहाँ दिखा दो, ये क्यों नहीं आ रहा, सब कुछ बंद पड़ा है। क्या IP दे रखी है मैंने, 220.0.0.199। तो जो भी कार्ड, जो भी IP मैंने अपने NIC कार्ड पे दे रखी होगी वो किस में जाएगी, सोर्स में। और मैंने पिंग किसको मारा, 127.0.0, एक ही IP किसकी है, मेरे NIC कार्ड की। तो जब मैंने पिंग मारा, यहाँ क्या लिखा आया, क्या लिखा आया, TTL। तो पिंग में TTL का क्या सिग्निफिकेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बताओ, एक नेटवर्क में TTL का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है जी, वेरी गुड। TTL हम यूज करते हैं किस लिए, TTL स्टैंड्स फॉर टाइम टू लिव। पहली बात याद रखना, ये कोई टाइम नहीं है, दिस इज नॉट अ टाइम। ये स्पेसिफाई करता है कि पर्टिकुलर पैकेट नेटवर्क में कितने L3 डिवाइसेस को क्रॉस कर सकता है।
क्या स्पेसिफाई करता है? एक पर्टिकुलर पैकेट कितने हॉप्स ट्रेवल कर सकता है? एक हॉप ट्रेवल करने का मतलब एक L3 डिवाइस को क्रॉस करना। अब कितने लोगों को ये बात पता है कि जब ट्रैफिक राउटर से पास होता है तो उसका TTL क्या हो जाता है? डिग्री। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस थिंग? तो हमेशा याद रखना, ये राउटर है, राउटर से कभी भी कोई ट्रैफिक जाएगा उसमें TTL क्या हो जाएगा? जो भी पीछे से वैल्यू आएगी उसमें -1। और TTL राउटर रिसीविंग इंटरफेस पे ही क्या कर देता है? रिड्यूस बोल सकता हूँ, एक ही बात है। मैंने क्या बोला? ट्रैफिक मेरे इंटरफेस पे रिसीव हुआ, रिसीव होते ही मैंने TTL क्या कर दिया? डिक्रीज। दिस थिंग इज क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? तो TTL एक्चुअली बता रहा है कि मेरा ट्रैफिक कितने हॉप्स ट्रेवल कर सकता है। पिंग में TTL का क्या सिग्निफिकेंस है? क्वेश्चन ये था, मैं पिंग कर रहा हूं उसमें TTL का क्या सिग्निफिकेंस है? यार पिंग ये तो बताता ही बताता है कि मैं आपसे कनेक्टेड हूं या नहीं हूं, लेकिन साथ ये भी बताता है मैं आपसे कितना दूर हूं। मैं आपसे कितना दूर हूं? आप मेरे लोकल नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हो या आप मेरे रिमोट नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हो? ये तो मैं IP देख के ही बता दूंगा कि आप मेरे लोकल नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हो या आप मेरे रिमोट नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हो। ये तो कंप्यूटर को पहले ही पता होता है पिंग भेजने से पहले कि सामने वाला यूजर मेरे लोकल नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है या रिमोट नेटवर्क में। कैसे पता होता? कंप्यूटर के पास अपनी IP है, कंप्यूटर के पास अपना सबनेट मास्क है, कंप्यूटर को अपने नेटवर्क की नेटवर्क ID पता है, कंप्यूटर को अपने नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट ID पता है। रह क्या गया? लेट्स से एक यूजर है जिसकी IP है 10.0.0.1, एक और यूजर है उसकी IP है 10.0.0.100। स्लैश यूज कर रहा हूं मैं 27, यहां भी क्या यूज कर रहा हूं 27। तो इस यूजर को पता होगा कि इसके नेटवर्क की नेटवर्क आईडी क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है। अरे चुप रहो तुम, गलत ब्रॉडकास्ट आईडी बता रहे हो। आती है सबनेटिंग करनी? यू नो हाउ टू सबनेट अ नेटवर्क? तो बताओ इस नेटवर्क के लिए, इस IP के लिए ब्रॉडकास्ट आईडी और नेटवर्क आईडी क्या होगी फटाफट। तो मैं बता दूंगा, यही होगी लास्ट में। वो ऊपर वाली IP के लिए, नीचे वाली IP के लिए पूछा है। हाँ तुम्हारे बस का नहीं है यार। 31 ही कैसी हो जाएगी? 0 से 31 में 100 आएगा कभी? कैसी बात कर रहे हो? छियानवे से स्टार्ट होगा, 96 में ऐड कर लो आप 30। 127 ये नेटवर्क आईडी होगी और ये क्या होगी? ब्रॉडकास्ट। अब कैसे निकालते हैं भाई, आपको पता होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग थिंग अगर आपको सबनेटिंग नहीं आती, ये गलत बात है। ठीक है जी, तो ऊपर वाली आईपी ऊपर वाले नेटवर्क में लाई करती है, नीचे वाली आईपी नीचे वाले नेटवर्क में लाई करती है। तो कंप्यूटर को पिंग करना है 10.0.0.100 को, तो कंप्यूटर को पहले ही पता है कि ये आईपी मेरे नेटवर्क में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मुझे दूसरे नेटवर्क में जाना तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? डिफॉल्ट गेटवे के पास। किसके पास जाना पड़ेगा? डिफॉल्ट गेटवे के पास। सीधी सी बात है। ठीक है जी, चले भाई आगे, इस बात को खत्म कर दें। तो TTL का सिग्निफिकेंस क्या है पिंग में? जब एक यूजर दूसरे यूजर को पिंग कर रहा है तो एक्चुअली वांट टू सी कि वो यूजर उससे कितना हॉप अवे है। तो ये चीज आप किससे चेक कर सकते हो? TTL से। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपके साथ।
क्या लैन, लैन क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय लोकल एरिया नेटवर्क? सीसीएन ने कर चुके हो तुम। नेटवर्क इन साइड अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड लोकल एरिया। व्हाट इज वाइड एरिया? लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है सिंगल नेटवर्क, ठीक है। एक सिंगल नेटवर्क को क्या बोलते हैं? एक लैन। क्या बोलते हैं? एक लैन। दिस थिंग इज क्लियर? ये भाई एक स्विच है। अब तक हमने ये पढ़ा था कि इस पे एक लैन एग्जिस्ट करती है। स्विच डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं होता। स्विच किस लिए यूज होता है? सेम नेटवर्क के यूजर्स को कनेक्ट करने के लिए। अब तक हमने यही पढ़ा, ठीक है जी। स्विच पे ब्रॉडकास्ट डोमेन कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है ब्रॉडकास्ट डोमेन? एक। स्विच पे बाय डिफॉल्ट वीलेंस कितनी होती है? एक। कौन सी होती है वो वीलेन? वन, ठीक है भाई। अब लैन का मतलब क्या होता है? एक सिंगल नेटवर्क। वर्चुअल लैन का क्या मतलब होता है? कि वर्चुअली आई विल डिवाइड दिस सिंगल लैन इनटू मल्टीपल लैंस। मैं वर्चुअली क्या करूंगा? इस लैन को डिवाइड करूंगा किसमें? मल्टीपल लैंस में। क्यों? वेरी गुड। देखो जी, समझो लॉजिक क्या है। ये एक स्विच है, इस पे 24 पोर्ट्स हैं। लेट से कितने पोर्ट्स हैं? 24। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? जब भी कोई यूजर ट्रैफिक भेजता है, इस इंटरफेस पे हिट करता है स्विच। अगर वो ट्रैफिक क्या है? ब्रॉडकास्ट। तो स्विच इस पर्टिकुलर इंटरफेस को छोड़ के बाकी हर एक इंटरफेस से उसे क्या भेज देता है? रेप्लिकेट कर देता है, बाहर भेज देता है। यस और नो? पहला केस। दूसरा केस, एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच। अगर ट्रैफिक यहां से यहां इंटर कर रहा है तो यहां से भी बाहर जाएगा, यहां से भी, यहां से भी, और यहां से भी। मतलब अगर एक यूजर ब्रॉडकास्ट सेंड कर रहा है, वो तो दूसरे एंड तक फॉरवर्ड हो रहा है। और मैं इस ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्या करना चाहता हूं? डिवाइड। क्या करना चाहता हूं? इसलिए मैंने क्या बनाई? वी लैन। व्हाट आई कम अप विद? वी लैन। अब वीलैन बनाने का बेनिफिट क्या होता है? क्रिएटिंग वी लैंस मीन्स हाँ जी, क्या लिखा मैंने? रिगार्डिंग का लिखा, क्रिएटिंग वी लैन। क्रिएटिंग से नहीं पढ़ना था, डिवाइडिंग से ही पढ़ा। क्रिएटिंग वीलन मीन्स डिवाइडिंग ब्रॉडकास्ट डोमेन ऑन स्विच। नीड ऑफ डिवाइडिंग ब्रॉडकास्ट डोमेन, क्या फायदा है, क्या जरूरत है ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करने की? बेनिफिट क्या होगा? ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगा? लिमिट हो जाएगा। मैं जिसको अपना ब्रॉडकास्ट भेजना चाहता हूं उसी के पास मेरा ब्रॉडकास्ट जाएगा, वरना जिसको मैं अपना ब्रॉडकास्ट भेजना नहीं चाहता उसके पास कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगा। ये होगा कब? जब मैं ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्या कर दूंगा? डिवाइड। क्या कर दूंगा? डिवाइड। डिवाइड करने से मेरी ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या हो जाएगी? लिमिट, ठीक है जी। मेरा ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक क्या हो जाएगा? लिमिट। अब लिमिट करने के लिए करना क्या? देखो जी, बाय डिफॉल्ट स्विच पे एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है। तो होता क्या, एक पोर्ट पे जब भी ट्रैफिक हिट करता है बाकी हर पोर्ट से क्या चला जाता है? बाहर। क्योंकि सारे के सारे पोर्ट्स क्या होते हैं?
सेम वीलन के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, ऐसे आपने सीसीएनए में पढ़ा। और वो वीलन कौन सी होती है, वीलन वन। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, स्विच पे क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा क्या, मल्टीपल वीलन। पहली बात ये, सिर्फ वीलन क्रिएट कर देने से ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइड नहीं होगी। क्या बोला मैंने, बाय जस्ट क्रिएटिंग द वीलन वी कैन नॉट डिवाइड ब्रॉडकास्ट डोमेन। सो हाउ ब्रॉडकास्ट डोमेन इज डिवाइडेड, बाय असाइनिंग पोर्ट्स टू पर्टिकुलर वीलन्स। लेट्स से ऑन दिस स्विच वी हैव फोर पोर्ट्स, बाय डिफॉल्ट ऑल पोर्ट्स आर मेंबर ऑफ वीलन वन। आई विल असाइन दीज टू पोर्ट्स टू वीलन 10। नाउ व्हेन यूजर कनेक्टेड टू वीलन वन विल जनरेट अ ब्रॉडकास्ट, स्विच विल रेप्लीकेट इट टू ओनली पोर्ट्स विच आर मेंबर ऑफ सेम वीलन। जब 10 वाला यूजर ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा तो स्विच उसको रेप्लीकेट भी कौन से पोर्ट्स पे करेगा, वीलन 10 वाले पोर्ट्स पे, जिससे ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या हो गई, डिवाइड। पहले एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन थी, अब कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हो गई, दो। अब क्वेश्चन क्या है, इस स्विच पे 24 पोर्ट्स हैं और मुझे इन 24 पोर्ट्स को तीन ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करना है, क्या करूंगा। हाँ जी सोचो एक बार अपनी अटेंडेंस। हाँ जी क्वेश्चन पे दोबारा आ जाओ। एक स्विच है, उस पे मैं चाहता हूँ कि तीन ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हो, क्या करूंगा। ठीक है जी, पहली चीज क्या करूंगा, क्रिएट टू वीलन्स। कौन सी वीलन क्रिएट करूं, दो, लेट से टू और थ्री कर दी। आप क्या करूं, आठ पोर्ट्स को आप कह रहे हो वीलन टू का मेंबर बना दो और बाकी आठ पोर्ट्स को वीलन थ्री का मेंबर बना दो। तो टोटल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स कितनी हो गई स्विच पे, तीन। टोटल वीलेंस कितनी हो गई, तीन। बट कीप दिस थिंग इन माइंड, जब तक मैं पोर्ट्स को वीलेंस से असाइन नहीं करूंगा तब तक ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइड नहीं होगी। इतनी बात क्लियर सबको। और कोई बेनिफिट लगता है आपको वीलेन क्रिएट करने का, सिक्योरिटी, किस तरह से, सिक्योरिटी कैसे बढ़ेगी, कंसर्न अभी भी वही है यार। मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो। लिखने वाला लिख तो बहुत कुछ देता है पर होता कैसे है, वो कंसर्न क्या उसका सिक्योरिटी लिखने का। वीलन क्रिएट करने से सिक्योरिटी तब बढ़ेगी अगर मैं इंटर वीलन राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा। यार ना खाना सुन पराठा खा लिया दिन में, मैं खिला दिया करूँगा इस टाइम। ठीक है भाई, तो नॉर्मल सी बात, वीलन कॉन्फ़िगर करने से सिक्योरिटी तब बढ़ेगी जब मैं इंटर वीलन राउटिंग कॉन्फ़िगर, अगर मैंने वीलन्स भी बना दी और इंटर वीलन राउटिंग भी कॉन्फ़िगर कर दी तो सिक्योरिटी का एक यार, सभी बात तो कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी, एक्सेस को कम करना है। तो मैंने दो डिफरेंट वीलन बनाई, मैंने इस वीलन की से बात ही नहीं कराई, एक्सेस खत्म। तो मैंने क्या प्रोवाइड करी, सिक्योरिटी। अगर मैंने साथ ही साथ इंटर वीलन भी मार दी तो सिक्योरिटी कहेगी। पहले वो डायरेक्टली बात कर रहे थे, वो किसकी हेल्प से बात करेंगे, राउटर की हेल्प से। सबको पता है ना इंटर वीलन राउटिंग क्या होती है। मैंने क्या कहा था, हम चीजों को कनेक्ट करेंगे हर पॉइंट पे, वही करना है। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न कब होगा, जब मैं इंटर वीलन राउटिंग कॉन्फिगर नहीं करता। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ यार, ये पर्टिकुलर वीलन इस वीलन से बात ना करे इंटर वीलन राउटर कॉन्फिगर करने के बाद। ठीक है, और कोई कंसर्न, नेटवर्क मैनेजमेंट क्या हो गया, इजी।
कैसे? मैनेज 100 लोगों का मैनेज करना ज्यादा मुश्किल है, 10-10 में डिवाइड करके मैनेज करना ज्यादा मुश्किल है? 100 लोगों को मैनेज करना ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, आपने कभी मैनेज किया लोगों को? हाँ जी, मिर्जा ट्रेनर बन जाओ, रोज पड़ेगा। ठीक है भाई, तो जब मैं चीजों को डिवाइड कर देता हूँ देन थिंग्स आर इजी टू मैनेज, ये नॉर्मल सा रूल होता है। आप अगर ब्रिटिशर्स की पॉलिसी पे जाओ, डिवाइड एंड रूल, अब भी नहीं समझ पाए तो छोड़ो। ठीक है जी, तो वीलन क्या है और क्या बेनिफिट देती है हमने देख लिया। वीलन इंफॉर्मेशन स्विच कहाँ स्टोर करता है? वीलन डॉट डैट फाइल। वीलन डॉट डैट फाइल कहाँ स्टोर होती है? फ्लैश मेमोरी। ठीक है जी, कितने तरीके हैं स्विच पे वीलैन डिफाइन करने के? दो, पहला स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब जैसा आप आज तक करते आए थे, आप स्विच पे जाते थे, वीलैन का नंबर लिखते थे, वीलैन 10, और वीलैन 10 स्विच पे क्या हो जाती थी? क्रिएट। ठीक है जी, फिर मैं क्या करता था, एक पर्टिकुलर पोर्ट को उस वीलैन 10 का क्या बना देता था? मेंबर। इतनी बात क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं। डायनेमिक का क्या मतलब है? ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी जब आप वो सेंटेंस लिखेंगे। स्विच फॉर एक्सेस वी लेनी है तो वो क्रिएट लगेगा, डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगी। तो ये डायनेमिक वे है। बीटी पीछे कर देते हैं ना, मतलब जैसे बीटी चल रहा है तो फोर चित्रों पे अपने आप चलते हैं। वेज टू डिफाइन व्हील एंड ऑन स्विच, ये लो। अब देखिए, मेरे को एक पोर्ट को पर्टिकुलर व्हील एंड में डालना है। कितने वेज हैं? दो वे हैं, स्टैटिक और स्टैटिक। तो क्या आपने स्विच पे व्हील एंड क्रिएट करी और उस पर्टिकुलर पोर्ट को उस पर्टिकुलर व्हील एंड का मेंबर बना दिया। दूसरा वे क्या कह रहा होगा, क्या है? डायनेमिक। पता है मुझे यार, इसी वीकेंड की बात है, उसके बाद देखेंगे। क्या किया मैंने? स्विच पे कौन सी वीलन क्रिएट करी, लेट से 10, और इस पोर्ट को कौन सी वीलन का मेंबर बना दिया? वीलन 10 का। सबको पता है पोर्ट को वीलन का मेंबर कैसे बनाते हैं? पक्का नहीं पता? पता, कार्ड पे, कार्ड रैक पे, सॉरी मैं कार्ड पे रैक लगा रहा हूँ। कौन लगा के आएगा भाई? कार्ड मेरा लेके जाना यार, अपना मत लगा। और वहीं लगा रहने देना, उतारने की भी जरूरत नहीं है, खुद उतार लो। मैंने सुबह रात को सॉरी। एक सौ 35 नंबर कर रहा हूँ तुम्हें, कोई कर रहा हो तो बता दिया तेरे को कल क्या करना है। कार्ड लगा रही, अभी देखते हैं रैक को। तो पहला तरीका रहा है, इस पोर्ट को मैं मैनुअली कौन सी वीलन को असाइन कर दूंगा, वीलन 10। सेकंड थिंग इज डायनामिक, तो मैं एक VMPS सर्वर बना सकता हूं।
कौन सा सर्वर? VLAN मैनेजमेंट सर्वर होता है। इसमें क्या होता है, जस्ट थिंक लाइक ये यूजर कनेक्टेड है, ये यूजर, आपने साइबर रोम देखा है? साइबर रोम यूज किया कभी किसी ने? कॉलेज में पढ़ते थे आप लोग, साइबर रोम होता है, सिट्रिक्स भी होता है यार, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं, ये आपको लॉगिन प्रोवाइड करती हैं। आप कंपनी में भी अपने डेस्कटॉप पे जाके लॉगिन करते हो, यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, दैट इज एक्चुअली वो है क्या? देखो दैट कैन बी कॉन्फिगर देयर, दैट कैन नॉट बी कॉन्फिगर देयर। कल को मेरे पास मत आना, सर मेरी कंपनी में ऐसा नहीं, आप झूठ बोल रहे थे, मैं सिर्फ एक गेस कर रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। लेट्स से मैं कंप्यूटर पे बैठा, ऑफिस गया, कंप्यूटर पे मैंने अपना क्या डाला, यूजर नेम और पासवर्ड, ये रिक्वेस्ट किसके पास गई? एक सर्वर के पास। सर्वर ने मुझे ऑथेंटिकेट किया और सर्वर पे एक डेटाबेस बना हुआ था पहले से ही कि इस यूजर नेम और इस पासवर्ड के लिए कौन सी VLAN है, 30। सर्वर ने इस पर्टिकुलर पोर्ट को किस VLAN का मेंबर बना दिया, 30 का। मैंने लॉगआउट किया, ये पोर्ट फिर क्या हो गया, फ्री। अब जो नया यूजर आएगा वो अपना यूजर नेम और डेटाबेस डालेगा, वो रिक्वेस्ट फिर किसके पास जाएगी, सर्वर के पास। सर्वर उसको उस पोर्ट को फिर उस पर्टिकुलर VLAN में डाल देगा जो उसके डेटाबेस पर डिफाइन होगा। तो मेरा जो स्विच का पोर्ट है वो डायनामिकली VLAN को असाइन हो रहा है बाय अ सर्वर, दैट थिंग इज कॉल्ड डायनामिक असाइनमेंट। और पहले भी मैं क्या था, मैं स्विच के पोर्ट को पर्टिकुलर VLAN से खुद असाइन कर रहा हूं। तो आज हम टोपोलॉजी भी डिस्कस करेंगे रैक के, जिसपे आपको काम करना है। विजिबल है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, एक स्विच है, मैंने उसका एक्सेस लिया हुआ लेट से कंसोल केबल से। ठीक है, पहली बात, आसान बात पूछ रहा हूं, स्विच का एक्सेस मैंने कैसे किया हुआ है, मुझे पता कैसे चलेगा? मैंने एक स्विच को एक्सेस किया हुआ भाई, तुम्हारे सामने है, मुझे चेक करना है बैठे बैठे मैंने स्विच को एक्सेस कैसे किया हुआ है। हाउ आई विल गेट टू Easy question? आपके सामने है, फिर उसको पिंग करके देखेंगे भाई। मैंने एक क्या स्विच रखा, उसका कंसोल केबल से एक्सेस ले लिया, मैं स्विच पे बैठे बैठे देखूंगा कैसे भाई मैंने एक्सेस कंसोल केबल से ले रखा है। दिखना चाहिए ना स्विच पे, स्विच बताएगा ना अपने एक्सेस कैसे ले रखा है, रिमोटली ले रखा है, फिजिकली ले रखा है। शो रन में तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी ना भाई, तुम क्वेश्चन समझो ना भाई। मैंने
वाईफाई से तो मैंने एक्सेस सर्वर को एक्सेस कर रखा है, आप अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैंने स्विच को कंसोल केबल से एक्सेस कर रखा है, ये देखो क्या बता रहा है। स्टार का मतलब एक्टिव कनेक्शन। कैसे एक्सेस कर रखा है? कंसोल जीरो पे। किस पे एक्सेस कर रखा है? कंसोल जीरो पे। दिख रहा है भाई आपको? स्टार का मतलब क्या होता है? एक्टिव कनेक्शन। होस्ट कौन है? आइडल। मैं ही तो हूँ होस्ट। कोई मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डिफाइन नहीं किया हुआ? कर लो, मेरा नाम भी आ जाएगा यहाँ। करके दिखाऊं? ये सब चीजें आपने राउटर पे पढ़ी थी अगर आपको याद हो। यूजर नेम क्या बनाया मैंने, पासवर्ड भी क्या दिया, टेस्ट लाइन कंसोल जीरो, लॉगिन लोकल। साथ ही साथ क्या डिफाइन किया? कुछ भी नहीं। क्या पूछ रहा है? कौन है, क्या है यूजर नेम, पासवर्ड क्या है? शो किसने एक्सेस किया हुआ है? टेस्ट ने। अर्लियर नो यूजर नेम एंड पासवर्ड वर डिफाइन। राउटर पे सेम चीज पड़ी थी ना, कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड कैसे लगाते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा था कि मैंने स्विच को एक्सेस रिमोटली नहीं किया हुआ। कैसे किया हुआ है? फिजिकली। देखो मैं, मेरे से स्विच कितना दूर है और मैंने स्विच को फिर भी एक्सेस कैसे किया हुआ है? फिजिकली। अभी इस बात पे जाएंगे जब रैक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। इस बात से कंफ्यूज मत हो कि मैं तो स्विच से बहुत दूर हूं, मैंने उसको फिजिकली एक्सेस कैसे किया हुआ, छोड़ दो उस बात को, ठीक है जी। दिस थिंग इज क्लियर। अब सबसे पहली कमांड चल जा भाई। और ये कई बार ना स्लो रिस्पॉन्ड करता है, मैं कमांड तेज टाइप कर देता हूँ या आती बाद में। शो वीलन ब्रीफ। क्या दिखा रहा है भाई स्विच पे? बाय डिफॉल्ट कौन सी वीलन है? जितने भी पोर्ट्स हैं सारे किस वीलन के मेंबर है? वन के। मैं चाहता हूं एक नई वीलन क्रिएट करना। नई वीलन क्रिएट करने के लिए कमांड क्या होती है? वीलन। दिख रहा है सबको? क्या नंबर से क्रिएट करूं? हाँ भाई, लार्ज एडिशन। क्या बोल रहा है? एरर आए पढ़ो। कितने लोगों को पता है वीटीपी के बारे में? याद है, सर्वर क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। वीलन आप सिर्फ किस मोड में क्रिएट कर सकते हो? सर्वर और ट्रांसपेरेंट मोड में, ठीक है जी। तो बात करेंगे वीटीपी पे जब आएंगे। अभी वीटीपी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने स्विच को क्या बना दिया? ट्रांसपेरेंट। मेरा फेवरेट मोड है भाई, ठीक है। मैंने वीलन बना ली कौन सी, 100 बन गई। कैसे वेरीफाई करूंगा? शो वीलन। कौन सी वीलन बना ली? 100। अब मैं चाहता हूं मैं इंटरफेस FA0/1 को किस वीलन का मेंबर बना दूं? 100 करो। कैसे बनाऊंगा? स्टेटिकली। स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन। तो ये पर्टिकुलर कमांड है किस लिए? इसलिए एक पर्टिकुलर इंटरफेस को वीलन का मेंबर बनाने के लिए, ठीक है गाइस। अब चला लें सो वीलन ब्रीफ। आप देख सकते हैं पोर्ट नंबर FA0/1 किस वीलन का मेंबर बन गया, ठीक है जी। इस कमांड में कोई दिक्कत? आगे चलें। वीलन इंफॉर्मेशन स्टोर कहां होती है? फ्लैश इंफॉर्मेशन में। किस फाइल में? वीलन डॉट। एक चीज दिखाऊं आपको, दिखाता नहीं हूं किसी को, दिखा रहा हूं। टाइम क्या हुआ? 24 आवर फॉर्मेट में बताओ। 19, 19, 19. यार एक मिनट और सेकंड कितने होते हैं? 100 ना। भूल गया यार मैं कल। तारीख क्या है? महीना
सब खत्म कर दिया तुमने शो क्लॉक ध्यान से रखो भाई, अब टाइम सेट हो गया, शो फ्लैश बहुत ध्यान से देखना भाई, कुछ बता रहा है। ये आखिरी बार अपडेट कब हुई थी? 8:49 पे, सॉरी गलती मेरी है, 12:08 पे और 49 सेकंड पे, ठीक है जी। कौन सी तारीख को? 1 मार्च को। साल कौन सा था भाई देख लो। मैंने एक और विलन बना दी इस पर। हाँ भाई लाल टी शर्ट कौन सी बनाऊँ भाई? कुछ आगे ही बढ़ ले, एक ही आगे बढ़ाई। शो अपडेट होगी भाई 24 सितंबर को, vlan.dat फाइल फिर अपडेट हो गई है। जैसे जैसे मैं vlan स्विच पे क्रिएट करता जाऊंगा, vlan.dat फाइल क्या होती जाएगी? अपडेट। क्या होती जाएगी? मजाक कर रहा हूँ। पिछली बार टाइम थोड़ा सेट किया था तो अपडेट हुई भी, तो तेरे को पता थोड़ा चला टाइम ही गलत था स्विच पे। दोबारा करूँ अपडेट? बूट करते ही टाइम फिर उड़ जाएगा, फिर पुराना टाइम दिखाएगा। तभी तो NTP यूज करते हैं। दैट्स द रीजन वी आर व्हाट वी आर यूजिंग इन नेटवर्क्स, NTP। NTP स्टैंड्स फॉर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ठीक है। पढ़ा नहीं आपने NTP CCNA में? बहुत आसान है यार, बता देना मैं पढ़ा दूंगा यार एक दिन, ठीक है जी। एक और विलन बना लूं? हाँ भाई लाल टी शर्ट सीधा ही बढ़ गया। शो फिर अपडेट हो गया टाइम। ऊपर वाले से कंपेयर करना, देखो यहाँ अभी भी ऊपर टाइम लिखा हुआ है। क्या टाइम है? 19:25 और यहाँ नीचे का टाइम है 19। अभी टाइम हुआ क्या चेक कर लें एक बार? 26:31 हुआ, 26:15 पे अपडेट हुई होगी, 15 सेकंड ही हुए होंगे हमें फालतू की बात करते हुए, ठीक है भाई। एक लास्ट बार और वेरीफाई करा रहा हूँ, ठीक है जी। अगर किसी को ना समझ में आया हो अब भी वीलैंड। हाँ भाई सुजू वीलैंड, विच वीलैंड? ट्रिपल 2 नॉट 4×2। ये कमांड तो चलानी नहीं थी, ये चलानी थी ना। फिर हो गई 27/2 पे अपडेट, कोई दिक्कत? तो vlan.dat फाइल क्या होती रहती है? अपडेट एज वी आर क्रिएटिंग vlan। चले भाई आगे, इतनी बात समझ में आ गई। और ये डायनेमिकली vlan कैसे असाइन करते हैं? दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, और ये सिस्को के सिलेबस में है ही नहीं। बेशक आप कुछ भी पढ़ लो, CCI पढ़ लो, एनीथिंग, सिस्को के बस का नहीं है यार ये, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखते हैं vlans आर ऑफ 2 टाइप्स। कितनी तरह की vlans है? 2 टाइप्स। पहली नॉर्मल रेंज ऑफ vlans, ये आपने ओवरव्यू तो लिया ही होगा CCNP में, और दूसरा क्या है? एक्सटेंडेड रेंज ऑफ vlans, ठीक है भाई। नॉर्मल रेंज ऑफ vlan कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, और कहां तक जाती है? मेरे हिसाब से तो 1 तक ही जाती है, 1002 से लेके 1005 तक तो सारी vlans क्या है? रिजर्व है। और 1006 से लेके 4095 तक क्या है? एक्सटेंडेड रेंज ऑफ vlan, ठीक है जी। ये रेंज है vlan की जो मेरे पास है पहले से, ठीक है जी। टोटल vlans कितनी हो गई? इतनी हो गई 4096। तो कोई बंदा जिसको थोड़ा सा मैथ्स आता है वो इजीली बता सकता है कि vlan के लिए कितनी बिट्स रिजर्व की गई होंगी? 12। कितनी बिट रिजर्व की गई होंगी? ऐसा मुझे कैसे पता चला? हाँ जी भाई देखो, जितने हेडर पढ़े हमने आज तक, हरी टी शर्ट वाले भाई ध्यान से सुनो,
हमने जितने भी हेडर पढ़े आज तक, उस हेडर में हर फील्ड का एक साइज होता है, वो साइज हम किसमें आइडेंटिफाई करते हैं, बिट्स में, किसमें आइडेंटिफाई करते हैं, बिट्स में। अगर मैं कह रहा हूं आईपी हेडर में एक फील्ड 4 बिट्स की है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है उस फील्ड में, कितनी आ सकती है, 0, और मैक्सिमम 2 to the power 4 कितनी आ सकती है, 16। हाँ यार आप भी सही कह रहे हो, 15 ही आएगी, क्योंकि मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, 0 से, मेरे से खेलोगे। ठीक है जी, अब मानते हैं कि एक फील्ड अगर 8 बिट की है, कितने बिट की है, 8 बिट की, तो उसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 255। ठीक है जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरे को एक फील्ड का साइज पता है तो मैं उसमें एग्जिस्ट करने वाली मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता सकता हूं। मैंने आपको यहां पे क्या बता दी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, और मैंने आपसे क्या पूछ लिया, साइज, बिट्स, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अभी भी समझ में आया, नहीं आया, आ गया, ठीक है, तो ऐसे कर लेना, कभी भी ना समझ में आए, 0 to 4095 टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, ऐसे करना, 4096 इज इक्वल टू 2 to the power x। Now x is equal to, भाई ये भी मैं बताऊंगा, मैथ की भी ट्यूशन रख लो। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई, एक नॉर्मल रेंज है और एक मेरे पास क्या है, एक्सटेंडेड रेंज। Why we need? देखो मेरे पास 2 रेंज है, नॉर्मल रेंज और एक्सटेंडेड रेंज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग, दैट नॉर्मल रेंज में मेरे पास 1000 वीलेंस हैं। कितनी वीलेंस हैं? What do you really think कि एक नेटवर्क में 1000 डिपार्टमेंट्स होते होंगे? क्योंकि आपने ऐसा ही पढ़ा है ना, वीलेन मैं एक डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देता हूं, एग्री? विलेन मैं क्या करता हूं, एक डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देता हूं। तो डू यू रियली थिंक कि एक कंपनी में 1000 डिपार्टमेंट भी होते होंगे? नहीं। कितने डिपार्टमेंट्स होते होंगे कंपनी में? कोई बहुत बड़ी कंपनी, लेट्स टॉक अबाउट TCS, इंफोसिस, 200 मैक्सिमम। भाई वहां पे PN का भी अलग डिपार्टमेंट होता है। उनको भी कंप्यूटर मिले होते हैं 2-4, उनके लिए भी वीलन देनी पड़ती है अलग से। ठीक है जी, तो लेट्स से मैक्सिमम ले लिया 200, एक कंपनी में 200 डिपार्टमेंट्स होंगे, कितनी वीलेंस की जरूरत पड़ी, हाउ मेनी वीलेंस वी आर यूजिंग देयर? अब 200 वीलेंस की नीड 1000 वीलेंस आराम से फुलफिल कर सकती है भाई, कोई प्रॉब्लम? तो फिर ये एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वीलन क्यों बनाई? क्वेश्चन वैलिड लगा आपको कि जब एक नॉर्मल रेंज मेरे पास अवेलेबल थी जिसको मैं पूरा यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज्यादा मैं अपनी ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड कर ही नहीं सकता। और ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक बात मैं बहुत ज्यादा क्लियर कर दूं, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, यहां पे किसी बंदे ने वीलन 10 बनाई, यहां पे 20 बनाई, यहां पे भी बंदा 10 भी बना सकता है और 20 भी, पर उनके लिए नेटवर्क क्या यूज करना पड़ेगा, डिफरेंट। क्या यूज करना पड़ेगा? डिफरेंट। यहां पे वीलन 10 के लिए अलग, यहां पे वीलन 10 के लिए अलग, यहां वीलन 20 के लिए अलग, यहां वीलन 20 के लिए अलग। क्यों? राउटिंग किसके लिए करते हो? डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए। किसके लिए करते हो? तो वीलन का एग्जिस्टेंस तो कहां है? सिर्फ यहीं, और यहां पे कहां है? सिर्फ यहीं। तो 200 वीलन तो बहुत है, अगर मैं यूज करना अपने नेटवर्क में वीलन चाहता हूं, तो मेरे पास अवेलेबल स्लॉट कितनी वीलन्स का? 1000 वीलन्स का। मैं मैक्सिमम यूज कितनी कर सकता हूँ? 1000 यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मैक्सिमम जरूरत कितने की है? 200 की। पहले ही मेरे पास इतनी ज्यादा वीलेंस अवेलेबल थी, तो बंदे ने एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वीलेंस बनाई क्यों? यस, पार्डन, इंटरनल एलोकेशन पॉलिसी, यू रेड अबाउट इट, I don't you. This is wrong thing. You don't have to answer like this. Now fun is over. I have to tell.
अदरवाइज आई विल गिव देम होमवर्क, दे विल सर्च फॉर इट. यार देखो होता क्या है, ये एक स्विच है, दो यूजर है, VLAN 10 का मेंबर है, ठीक है भाई. तो स्विच क्या करता है, एक मैक एड्रेस टेबल बनाता है जिसमें एंट्री रखता है. हमने कल मैक एड्रेस टेबल देखी थी स्विच की, हमने मैक एड्रेस टेबल में दो चीजें बताई थी मैंने आपको. फर्स्ट थिंग थी पोर्ट नंबर, दूसरी चीज थी मैक एड्रेस, एक और चीज होती है वहां पे VLAN. ये पोर्ट नंबर 1 है, ये पोर्ट नंबर 2 है, ये यूजर ए है, ये यूजर बी है. तो स्विच एंट्री क्या बनाएगा, पोर्ट नंबर ए पे जो 1 पे जो यूजर कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस क्या है, ए. वो कौन सी VLAN का मेंबर है, 10, ठीक है. पोर्ट नंबर 2 पे जो मैक एड्रेस कनेक्टेड है वो कौन सा है, बी. वो कौन सी VLAN का मेंबर है, 10. अब जब भी ट्रैफिक इस पोर्ट पे आएगा, पोर्ट नंबर 1 पे, स्विच क्या समझेगा कौन सी VLAN से बिलोंग करता है, 10 से. और उसको स्विच कौन सी, लेट से ए और बी आपस में बात कर रहे हैं, तो ट्रैफिक आया कौन सी VLAN का मेंबर था, 10 का, क्योंकि स्विच का हर पोर्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर VLAN का मेंबर होता है. दिस थिंग इज क्लियर. अब उसने बी से बात करनी थी, उसने देखा बी कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 2 का, और पोर्ट नंबर 2 पे ट्रैफिक को क्या कर दिया, सेंड कर दिया. अब ये एक्सटेंडेड रेंज ऑफ VLAN कहां यूज करता है स्विच भाई, ये फीचर सबसे पहली बात एक मिनट, सबसे पहले कौन से स्विचेस में बनाया गया, लेयर 3 स्विचेस में, लेयर 2 स्विचेस में फीचर पहले नहीं था. क्यों बनाया गया लेयर 3 स्विचेस में फीचर, जस्ट थिंक लाइक दिस इज अ स्विच, फाइन. आप लेयर 3 स्विच के एक पोर्ट को लेयर 3 पोर्ट भी बना सकते हो. क्या बना सकते हो, लेयर 3 पोर्ट. लेयर 3 पोर्ट बनाने का मतलब, देखो ये एक राउटर है, राउटर का ये जो पोर्ट है ना, ये क्या है, एक लेयर 3 पोर्ट. लेयर 3 पोर्ट से मतलब क्या है, कि मैं इस पोर्ट पे क्या असाइन कर सकता हूं, एक आईपी एड्रेस. लेकिन स्विच के पोर्ट पे मैं कभी भी बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकता, लेकिन मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं. इसका मतलब मैं स्विच के लेयर 2 पोर्ट को किसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, लेयर 3 पोर्ट में. मैंने कन्वर्ट कर दिया. अब जैसे ही मैं स्विच के पोर्ट को लेयर 3 पोर्ट में कन्वर्ट करूंगा, स्विच का एक रूल है कि मेरा पोर्ट एक VLAN का मेंबर हमेशा होगा ही होगा. तो स्विच क्या करता है, इंटरनली उसको फर्स्ट एक्सटेंडेड VLAN क्या कर देता है, असाइन कर देता है, जो क्या होती है 100 6. अब स्विच क्या समझता है, इस पर्टिकुलर पोर्ट में जितना भी ट्रैफिक आएगा वो कौन सी VLAN का मेंबर होगा, 1006 का. दिस थिंग इज क्लियर. अब अगर स्विच पे आपने दो राउटेड पोर्ट्स बनाए, तो उसने बाय डिफॉल्ट कौन सी VLANs अपने आप ले ली, 1006 और 1007. तीन बनाए तो 8 भी. मैं बना के दिखा देता हूं आपको, ये देखो इस टाइम. हाँ जी, SVI की बात नहीं कर रहा मैं, राउटेड पोर्ट की बात कर रहा हूं. SVI इज नॉट अ राउटेड पोर्ट, दिस थिंग इज क्लियर. और SVI को कभी VLAN नहीं मिली. और यार एक मिनट, पहले मैं यूजर नेम और पासवर्ड हटा दूं, कहीं मेरा नाम भी ना आ जाए उन्हीं लोगों में जो यूजर नेम और पासवर्ड लगा के चले जाते. कोई दिक्कत हो रही है क्या, एक मिनट जी चेक कर ले, हट गया ना, फिर भी आ रहा. ओह भाई, पर ऐसा तो यूजर नेम आपको एग्जिस्ट नहीं करता, और कोई करता था तो मुझे पता नहीं, मैंने अपना तो हटा दिया. भाई रुको यार, ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत है. दोबारा डलेगा इसमें iOS. Done. No problem.
आ गया स्विच टू पे, बात खत्म। शो एस डी एम रेफर, ये क्या दिखा रहा है? इस स्विच पे मैं 8 पोर्ट्स को क्या बना सकता हूं? लेयर 3। क्या बना सकता हूं? लेयर 3। मैंने क्या किया भाई, एक इंटरफेस FA0/1 ले लिया। सबसे पहले इस पे क्या कमांड चलाई? नो स्विच पोर्ट कमांड चलाते ही क्या होगा, ये पोर्ट अपनी लेयर 2 फंक्शनैलिटी लूज कर देगा। क्या कर देगा? लेयर 2 फंक्शनैलिटी लूज। मतलब अब आप इस पोर्ट पे क्या असाइन कर सकते हो? एक आईपी। अब मैंने क्या असाइन करी इस पोर्ट पे? देखो अगर मैं देखो अगर यहां पे कमांड चला देता हूं स्विच पोर्ट वापस, इसने अपनी लेयर 2 फंक्शनैलिटी रिट्रीव कर ली। अब इस पे कमांड भी नहीं चलेगी आईपी एड्रेस, ये देखो चल रही है। मैं टैब दबा रहा हूं, पूरा नहीं हो रहा ना, वरना स्विच पे रूल क्या होता है, टैब दबाते ही हो पूरा कर देता है। अब मैंने कमांड दोबारा की चलाई नो, अब देखो भागते ही ले लिया इसने नो, सॉरी आईपी एड्रेस क्या दिया मैंने, डन जी। शो, एक मिनट जी, स्विच ने दिखा दिया कि उसके पोर्ट नंबर FA0/1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है, 10.1.1.0/24। अब अगली चीज देखो, शो वीलैन इंटरनल यूसेज, ये क्या बता रहा है कि इसने पोर्ट नंबर फास्ट इथरनेट 0/1 को कौन सी वीलैन असाइन कर दी है, 1025। बाकी वीलैंस कहाँ हैं, एक मिनट रुको जी। पर पता किसने फिर क्या कर रखा है स्विच पे, बाकी बना रखी है भाई। ओ भाई वीलैंस भी नहीं है, कौन सी विलन साइन करी उसने, 1025। वेट दो, एक मिनट रुक जाओ यार, मेरे को सिर्फ कंफ्यूजन ही है, इसने 1025 को स्टार्ट किया। ठीक है जी, दोबारा करूं एक बार, भाई मेरे अकॉर्डिंग इसको 1006 से स्टार्ट करना चाहिए था। आई डोंट नो द रीजन, ये 1025 से स्टार्ट क्यों कर रहा है, बट एक मिनट, रूल यही होता है कि यार जब भी आप एक पोर्ट को राउटेड बनाते हो तो स्विच क्या करता है, उस राउटेड पोर्ट को इंटरनली एक वीलन असाइन कर देता है। जो कौन सी वीलन होती है, हमेशा एक्सटेंडेड रेंज होती है। हाँ जी, कौन से गायब है, ट्रंक है ना भाई, वो सारे ट्रंक पोर्ट कभी भी शो व्हील एंड ब्रीफ में आपको नहीं दिखाया। पार्डन,
शो व्हीलर ascending, it must start from 1006. ठीक है भाई, ये देखूंगा मैं आपको कल बता दूंगा जो भी होगा। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि एक्सटेंडेड रेंज ऑफ विलन बनाने का यूज क्या है, कि जब भी मैं कोई लेयर 3 बोर्ड बनाता हूं उसको इंटरनली एक विलन असाइन हो जाती है जो किस रेंज की होती है, एक्सटेंडेड रेंज की। ठीक है जी, ये बात क्लियर, आगे चलते हैं। विलन एलोकेशन मेथड, VLAN को नेटवर्क में डिप्लॉय करने के कितने तरीके हैं, क्या करने के डिप्लॉय। आपको एक बात पता है कि दो स्विचेस के बीच में हमेशा कैसा लिंक होता है, कोई प्रॉब्लम, ये स्विच वन, ये स्विच टू और ये स्विच थ्री। आप दो तरीके से VLAN को एलोकेट कर सकते हो अपने नेटवर्क में। पहला एंड टू एंड, दूसरा लोकल। एंड टू एंड VLAN एलोकेट करने का मतलब क्या है, VLAN 10 का यूजर यहां भी है और VLAN 10 का यूजर यहां भी है। ठीक है जी, एंड टू एंड मतलब VLAN 10 का यूजर यहां भी है, 20 का यूजर यहां भी है, 10 का यूजर यहां भी है और 20 का यूजर यहां भी है, 10 का यूजर यहां भी है और 20 का यूजर यहां भी है। इससे होगा क्या, वेन एवर दिस यूजर विल जनरेट ब्रॉडकास्ट, ये कहां तक जाएगा, एंड तक। ब्रॉडकास्ट कैसे ट्रेवल कर रहा है, एंड टू एंड, दिस थिंग इज क्लियर। लेकिन दूसरा वे क्या है, लोकल विलन। लोकल विलन का मतलब क्या है, स्विच थ्री पे सारे यूजर कौन सी विलन में है, 10 में। स्विच टू पे सारे यूजर कौन सी विलन में है, 20 में। स्विच वन पे सारे यूजर कौन सी विलन में है, 30 में। तो इनका ब्रॉडकास्ट यहीं रहेगा, इनका ब्रॉडकास्ट यहीं रहेगा और इनका ब्रॉडकास्ट यहीं रहेगा। ब्रॉडकास्ट कभी इस यूजर से इस यूजर पे ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है जी, तो डिप्लॉय करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा, लोकल VLAN। ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, एक तो मैंने क्या किया, हर स्विच पे हर VLAN के लिए यूजर असाइन कर दिया, जिससे मेरा ब्रॉडकास्ट क्या होता रहा, एक स्विच से जनरेट होता तो हर स्विच पे जाता रहा, क्योंकि हर स्विच पे यूजर है। और एक मैंने क्या किया, नेटवर्क को मैनेज कर दिया कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एक स्विच पे कनेक्टेड है, दूसरा डिपार्टमेंट दूसरे स्विच पे और तीसरा डिपार्टमेंट तीसरे स्विच पे। जिससे क्या हुआ, मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्या कर दिया, छोटा। अब होगा क्या, यहां से जब भी VLAN 10 का यूजर ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा वो जाएगा इस स्विच पे, इस स्विच के किसी भी पोर्ट पे फॉरवर्ड नहीं होगा, ये सारे पोर्ट किसी और VLAN के मेंबर है, जाएगा इस स्विच पे भी लेकिन किसी पोर्ट पे फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि ये सारे पोर्ट किसी और VLAN के मेंबर हैं। अब आप पूछोगे जा क्यों रहा है, क्योंकि ये लिंक क्या है भाई, ट्रंक। ये लिंक भी क्या है, ट्रंक। दिस थिंग इज क्लियर। तो VLAN के बारे में हमने जितनी चीजें देखनी थी हमने देखी। VLAN टॉपिक इज ओवर। लास्ट थिंग अबाउट VLAN, ठीक है जी, सेम VLANs कैन कॉम्युनिकेट, डिफरेंट VLANs कैन नॉट कॉम्युनिकेट बाय डिफॉल्ट। गाइस अगली बात पे आते हैं। एक स्विच के जो पोर्ट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज एक्सेस एंड सेकंड इज ट्रंक। स्विच के पोर्ट एक्सेस होने का क्या मतलब है, एक
एक स्विच, एक और स्विच, फाइन। मैं बोल रहा हूं ये पोर्ट एक्सेस है, इसका मतलब क्या है, जिस वीलैन का ये पोर्ट मेंबर है, ये पोर्ट उसी वीलैन के ट्रैफिक को अपने से पास होने देगा। रिपीट करूं, जिस वीलैन का ये पोर्ट मेंबर है, ये पोर्ट उसी वीलैन के ट्रैफिक को खुद से पास होने देगा, और किसी वीलैन के ट्रैफिक को खुद से कभी भी पास होने नहीं देगा। अगर मैं इसी पोर्ट को क्या बना देता हूं, ट्रंक। इसका क्या मतलब है, मैं हर वीलैन का मेंबर हूं और मैं हर वीलैन के ट्रैफिक को अपने से पास होने दूंगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस एंड ट्रंक, क्लियर हुआ? एक्सेस क्या है, मैं सिंगल व्हीलन के ट्रैफिक को कैरी करूंगा जिसका मैं क्या हूं, खुद मेंबर हूं। और ट्रंक का मतलब क्या हुआ, मैं हर व्हीलन के ट्रैफिक को क्या करूंगा, कैरी करूंगा। ठीक है जी, इतनी बात खत्म। अब चले आगे, देखो जी, दो स्विच है, यहां एक यूजर कनेक्टेड है, ये यूजर हमेशा एक वीलन का मेंबर होगा। लेट से इस पोर्ट को मैंने किस वीलन का मेंबर बना रखा है, 10 का। तो इस पोर्ट को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक्सेस। क्या बनाना पड़ेगा, एक्सेस। एक्सेस क्यों बनाना पड़ेगा, मैं हमेशा चाहूंगा ना ये पोर्ट हमेशा कौन सी वीलन का ट्रैफिक कैरी करे, सिर्फ वीलन 10 का। और रूल क्या होता है, एक पर्टिकुलर पोर्ट को जब भी मैं किसी वीलन का मेंबर बनाता हूं, वो पर्टिकुलर पोर्ट अपने आप ही क्या बन जाता है, एक्सेस। वो पर्टिकुलर पोर्ट अपने आप ही क्या बन जाता है, एक्सेस। और एक पोर्ट को मैं मैक्सिमम कितनी वीलन का मेंबर बना सकता हूं, दो वीलन का, वन इज डेटा वीलन, सेकेंड इज वॉइस वीलन। व्हाट इज वॉइस वीलन, वी विल डिस्कस अबाउट इट, सही टाइम पे डिस्कस करेंगे, अभी कोई टाइम नहीं है। तो कोई मेरी बात को कल को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, इसलिए मैंने स्टेटमेंट दी कि भाई एक पर्टिकुलर पोर्ट को मैं दो वीलन का मेंबर बना सकता हूँ, एक डेटा वीलन और वॉइस वीलन। अभी के लिए आप याद रख सकते हो कि एक पर्टिकुलर पोर्ट एक ही वीलन का मेंबर बनेगा। लेट से यहाँ पे वो वीलन कौन सी है, 10। तो जब भी आप एक स्विच के पोर्ट को एक पर्टिकुलर वीलन का मेंबर बनाते हो, खुद ही क्या बन जाता है, एक्सेस बन गया। यहां भी आपने एक पर्टिकुलर पोर्ट को कौन सी वीलन में डाला, 10 में, ये पोर्ट भी क्या बन गया, एक्सेस। क्योंकि आप चाहते हो ये पोर्ट सिर्फ कौन सी वीलन के ट्रैफिक को फॉरवर्ड करे, 10 के। ठीक है जी, आपने यहां एक और यूजर लगाया, क्या हो गई, कौन सी वीलन में डाल दिया, एक और यूजर लगाया, कौन सी वीलन का मेंबर बना दिया, 20 का। एक और यूजर लगाया, कौन सी वीलन का मेंबर बना दिया, 30 का। कोई प्रॉब्लम? अब क्या ये 10, 20, 30 और ये 10, 20, 30 आपस में बात करेंगे, ये तीनों वीलन के लिए तीन ऐसे पोर्ट बनाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहला इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया कि भाई इस पर्टिकुलर पोर्ट को भी किस वीलन का मेंबर बना दूं, 10 का। इस पर्टिकुलर लिंक को कौन से वीलन का मेंबर बना दूं, और इस पर्टिकुलर लिंक को कौन से वीलन का मेंबर बना दूं, 30 का। तो 10 से बात कर लेगा, 20 से और 30 से, क्योंकि रूल क्या होता है, स्विच ट्रैफिक सेम वीलन में ही फॉरवर्ड करेगा, डिफरेंट वीलन में कभी फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो होगा क्या, ट्रैफिक का फ्लो देखे, लेट से इस यूजर को इस यूजर से बात करनी थी, इस यूजर का मैक एड्रेस क्या है, ए, इसका ये मैक एड्रेस क्या है, इसकी आईपी क्या है, इसकी आईपी क्या है, 10.2। इस पर्टिकुलर यूजर ने
10.2 से बात करनी थी, तो 10.2 से बात करने के लिए इसे 10.2 का क्या चाहिए? यार तुम हद नहीं करते बहुत बार, मैं बोल रहा हूँ इसे 10.2 से बात करनी है, क्या चाहिए? आप बोल रहे हो आईपी एड्रेस, तो 10.2 क्या है? मैक एड्रेस। आज लगता है ज्यादा हो गया, यहीं खत्म कर देते हैं, मुझे भी तो लग रही होगी। मुझे इतनी हवा चाहिए। वो धोखा दे रहा है आपकी तरह, जैसे आप बैठे और जता रहे हो कि हमें समझ में आ रहा है, वैसे ये भी धोखा दे रहा है, तुम्हें हवा लग रही है। तो 10.1 को 10.2 से बात करनी है, तो 10.1 को 10.2 का क्या चाहिए? मैक एड्रेस। उसके लिए क्या जनरेट करेगा? आर्प। अब स्विच ने देखा आर्प कौन से पोर्ट पे हिट करी? पोर्ट नंबर 1 पे। पोर्ट नंबर 1 कौन से वीलन का मेंबर है? वीलन 10 का। अब एक रूल, नॉर्मल सा रूल है कि स्विच इस ब्रॉडकास्ट को उन्हीं पोर्ट्स पे फॉरवर्ड करेगा जो कौन से वीलन के मेंबर होंगे? 10 के। तो स्विच ने देखा ये पोर्ट कौन से वीलन का मेंबर है? 10 का, तो इससे ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड कर दिया। ये इस स्विच ने कौन से पोर्ट पे रिसीव किया? इस पोर्ट पे। ये पोर्ट कौन सी वीलन का मेंबर था? वीलन नंबर 10 का। इस स्विच ने देखा मैं इस ब्रॉडकास्ट को उन्हीं पोर्ट्स पे फॉरवर्ड कर सकता हूं जो किस वीलन के मेंबर है? 10 के, तो इस पोर्ट से आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसके पास आया, इसने भाई ने क्या कर दिया? रिप्लाई। दिस थिंग इज क्लियर। तो 20 भी इसी तरीके से बात करेगी और 30 भी। ठीक है जी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर ये पर्टिकुलर लिंक डाउन हो जाता है तो 10 का कम्युनिकेशन क्या खत्म। इसका मतलब मेरे पास दो लिंक्स हैं, लेकिन दूसरा लिंक पहले के बैकअप का काम नहीं कर सकता। और अगर मैंने 10 में दो लिंक लगा दिए तो देखो यार, रुक तो जाओ, लूप अभी कैसे बन जाएगा? अभी तो एसटीपी पढ़ाई नहीं हमने भाई, रुको तो यार। सबर का फल क्या होता? मीठा, खट्टा मीठा। आप आम बहुत खाते हो, वो भी ऐसे सीजन में। टेन डॉट वन, टेन डॉट टू, मैक एड्रेस ए, मैक एड्रेस बी, वीलैन 10 में है ये पोर्ट भी, और ये पोर्ट भी किस में है? वीलैन 10। अब ध्यान से देखो, इस यूजर ने क्या जनरेट करी? आर। स्विच के पास आई, स्विच को ये क्या दिखा? दोनों पोर्ट किस में है? 10 में। दोनों से क्या कर दिया? आगे फॉरवर्ड। अब ये स्विच 2 को ये दोनों पोर्ट किस में थे? 10 में। स्विच 2 को लेट से पोर्ट नंबर 1 था, ये पोर्ट नंबर 2 था। पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 पे सेम मैक एड्रेस कौन सा लर्न हो गया? ए। ये कितने लोगों को समझ में आया कि मैक एड्रेस ए लर्न हुआ? हमने कल बात की थी कि सोर्स मैक एड्रेस लर्न करता है स्विच हमेशा, कौन सा? तो जो आर्प ट्रैफिक आया था उसमें सोर्स मैक तो क्या था और डेस्टिनेशन क्या था? ऑल एफ। स्विच कौन सा हेडर रीड करता है भाई? लेयर टू हेडर। लेयर टू हेडर में यही इंफॉर्मेशन थी, सोर्स मैक क्या था ए, डेस्टिनेशन मैक क्या था ऑल एफ। सेम मैक एड्रेस यहां भी लर्न हो गया और सेम मैक एड्रेस यहां भी लर्न हो गया। अब रूल होता है स्विच अगर अपने मल्टीपल पोर्ट्स पे सेम मैक एड्रेस को लर्न कर लेता है तो कंडीशन किसकी अराइज हो जाती है? लूप की। यार देखो, आप अपने दोस्त की शादी पे जा रहे थे, ठीक है भाई, एक एग्जांपल। तो रास्ते में क्या हुआ? आपको रास्ता नहीं पता था कि भाई बैंक्वेट हॉल कहाँ है। तो आपने अपने खूब सारे दोस्त होंगे, अब दोस्त की शादी होगी जब, तो फोन किया। अब आप रोड पे यहाँ खड़े हो, एक दोस्त तो कह रहा है भाई यहाँ आ जा, और एक दोस्त कह रहा है यहाँ आ जा। अब किसकी बात मानोगे आप भाई? एक लोकेशन भेज रहा जो लोकेशन यहाँ ले जा रही है, और एक लोकेशन भेज रहा जो लोकेशन यहाँ ले जा रही है। मतलब दोनों ही क्या है? गलत है। इन अ सिमिलर केस ये स्विच क्या रहा है? मेरे पोर्ट नंबर 1 पे भी सेम एक एड्रेस लर्न हो रहा है पोर्ट नंबर, मतलब कुछ घपला। और इस कंडीशन को क्या नाम दिया उसने? लूप। लूप मतलब यस, व्हाट डू यू मीन बाय लूप? लूप को हिंदी में क्या बोलते हैं?
चक्कर भी तो लूप नहीं होता यार, कुछ और ही होता है चक्कर भी। तो आपको मैंने स्विचेस के केस में बता दिया लूप का मतलब क्या है, सेम मैग्नेटर्स मल्टीपल पोर्ट्स पे लर्न होना। इसका मतलब मैं दो लिंक भी नहीं लगा सकता स्विचेस के बीच में, दो लिंक लगाया तो क्या बन रही है लूप, और सिंगल लिंक पे मैं डिपेंड हो गया, अगर सिंगल लिंक फेल हो गया तो उस वीलन का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, खत्म। वो वीलन आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। तो पहली बात, पहली प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है मुझे। पहली प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे करूंगा मैं, कि भाई मुझे एक लिंक चाहिए जो हर व्हीलन का ट्रैफिक क्या करे, कैरी करे, इंस्टेड ऑफ मल्टीपल लिंक्स। तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर लिंक को क्या बना दूंगा, ट्रंक। इस एंड से भी मैंने लिंक को क्या बना दिया, ट्रंक, और इस एंड से भी मैंने लिंक को क्या बना दिया, ट्रंक। अब ट्रंक बनाते क्या हुआ, ये पोर्ट क्या करे, क्या कहेगा, आई एम मेंबर ऑफ, मैं सारी व्हीलेंस का क्या हूं, इसका मतलब मैं सारी व्हीलेंस के ट्रैफिक को क्या कर सकता हूं, कैरी। ये ले यार तेरी बात भी मान ली, ये एक्सेस है और ये ट्रंक है। ये स्विच का पोर्ट तो कहेगा मैं ट्रंक हूं, मैं सारी व्हीलन के ट्रैफिक को कैरी कर सकता हूं। ये कहेगा मैं एक्सेस हूं, मैं जिस व्हीलन का मेंबर हूं उसी के भी, उसी व्हीलन के ट्रैफिक को कैरी कर सकता हूं। मतलब यहां से यहां कभी भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, नेगोशिएट तो करेगा ही नहीं। अभी डीटीपी पे तो आया ही नहीं मैं, आप भाग क्यों रहे हो। हाँ जी, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी व्हीलन का ट्रैफिक ट्रैवल नहीं करेगा, बात खत्म, लीव इट। व्हीलन वन के लिए तो ट्रंक बनाने की जरूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट हर पोर्ट किसका मेंबर होता है, तो वन के लिए ट्रंक बनाने की क्या जरूरत है। वन का कम्युनिकेशन तो अभी भी होगा क्योंकि पोर्ट इधर से और इधर से, कौन सी व्हीलन का नंबर है, वन का। दिस थिंग इज क्लियर। तो व्हीलन वन तो कम्युनिकेट करेगी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हीलन वन, हम तो और बाकी व्हीलन्स की बात कर रहे हैं। एक तरफ एक्सेस बनाओगे, एक तरफ ट्रंक बनाओगे, बाकी व्हीलन्स आपस में बात नहीं कर पाएंगे। ये स्विच कहेगा मेरा लिंक क्या है ट्रंक, ये स्विच कहेगा मेरा लिंक क्या है एक्सेस। एक्सेस और ट्रंक का मतलब आपको पता है, एक्सेस का मतलब मैं जिस व्हीलन का मेंबर हूं उसी व्हीलन के ट्रैफिक को क्या करूंगा, फॉरवर्ड। और ट्रंक का मतलब सभी व्हीलन्स के ट्रैफिक को क्या करूंगा, फॉरवर्ड। पहली प्रॉब्लम रिजॉल्व कि एक सिंगल लिंक से मल्टीपल व्हीलन्स क्या कह जाएगा, ट्रैफिक। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं दो लिंक लगा दूंगा और दो लिंक क्या कैरी करेंगे, मल्टीपल व्हीलन्स के ट्रैफिक, तो फिर तो लूप बन जाएगी। स्विच के पास कितने ट्रंक पोर्ट हो गए, दो। इस लूप को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसटीपी। क्या यूज करते हैं, एसटीपी। एक्चुअली क्या करता है, इन दोनों में से एक लिंक को क्या कर देगा, ब्लॉक। ब्लॉक क्यों करता है, कैसे करता है, वो जब एसटीपी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये लिंक यूज होगा और ये लिंक किसका काम करेगा, गैप बैकअप का। और जैसे ही ये लिंक डाउन जाएगा, ये लिंक क्या आ जाएगा, दिस थिंग इज क्लियर। तो सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, मेरे को बैकअप भी मिल गया और मेरा एक सिंगल लिंक से मल्टीपल व्हीलन का ट्रैफिक भी फ्लो कर रहा। प्रॉब्लम एक और आ गई, अब प्रॉब्लम एक और क्या थी, व्हीलन 10, 20, 30, व्हीलन 30, 20, 10। ये मैंने क्या बना लिया, एक ट्रंक लिंक जो किसका ट्रैफिक कैरी करता है, इसका मल्टीपल व्हीलन्स का। नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल थिंग, व्हीलन 10, 10 से बात कर रहा है, उसी टाइम पे 20, 20 से भी बात कर रहा है, और 30, 30 से भी बात कर रहा है, बात कर रहे हैं आपस में। स्विच वन ट्रैफिक भेज रहा है, स्विच टू रिकॉग्नाइज कैसे करेगा ये ट्रैफिक कौन से व्हीलन से बिलोंग करता है। इसका मतलब ऑन ट्रंक लिंक्स व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज नीडेड, व्हीलन टैगिंग। के ट्रंक लिंक पर स्विच क्या परफॉर्म करता है, व्हीलन टैगिंग।
तो वीलन टैगिंग को परफॉर्म करने के लिए स्विच के पास दो प्रोटोकॉल हैं, एक है ISL, एक है डॉट वन। कल डिस्कस करेंगे इनके बारे में कि ISL क्या होता है और डॉट। पढ़ गया ना यार, इतना पढ़ाया।